नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में और इस पूरा कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय जी। अमित सजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माग्राम सीवी पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहेंगे, देखने की यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा आज 3% के लोअर सर्किट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान देखने को मिल रहा है। अमित जी, आपको क्या लगता है कैसे की कीमतों में आगे कैसे रुझान देखने को मिल सकता है और ये पूरा कारोबारी सप्ताह कैसे सीड के लिए कैसा साबित हो सकता है? जी देखिए, मेरे हिसाब से कैसे सीड में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 5800 के जो है सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है पोजिशनल बेसिस पे। एंड फिलहाल हम देख रहे हैं कि 6380 के आसपास प्राइजेस हैं और पोजिशनल बेसिस पे 5800 के ऊपर तेजी के तरफ बना रहेगा और अपसाइड में मेरे हिसाब से 6800 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं पूरे सत्र की अगर हम बात करें। फिलहाल डेफिनेटली हमें नेगेटिव देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल डाउनसाइड जो है वो अभी लिमिटेड होगा यहाँ से और ओवरऑल दोबारा जो एक तेजी का रुख है वो हमें देखने मिल सकता है जहाँ तक कैश शीट का सवाल है। जी अमित जी, जानना चाहेंगे आज ये जो गिरावट देखने को मिली है कैश शीट के अंदर, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? हाँ, मेरे हिसाब से इसमें फिलहाल जो पिछले दिनों में तेजी आई थी उसकी मुनाफा वसूली हमें देखने मिल रही है और बाकी हमने देखा है कि बाकी काउंटर्स भी जो है एग्री काउंटर्स में फिलहाल उसमें एडिबल कॉम्प्लेक्स लॉन्ग निशान के साथ ट्रेड हो रहा है तो उसका भी असर हमें देखने मिला है और यही इम्पैक्ट हमें फिलहाल कैश सीड में देखने मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड है। वही मैं अक्टूबर वाला की भी बात करूं तो मुझे लगता है कि इस पर यहाँ पर भी जो डाउनसाइड होगा फ्रॉम हियर ऑन लिमिटेड होगा 5800 से 5700 के बीच, इसमें भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा नीचे जाएगा। तो हमने ये भी देखा है कि निश्चित स्तरों से एक पुल बैक भी देखने मिला है तो जो डाउनसाइड है वो यहाँ से लिमिटेड लगता है मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आते दिखती है। जी, ये समय जी बात करेंगे चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 5160 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1% की गिरावट आज चने वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अमित जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड भी है और कंजप्शन भी अब ठीक ठाक देखने को मिलेगी तो क्या चने की कीमतों में तेजी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन होने के बावजूद जो चना है वो MSP से नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, मेरे हिसाब से जिस प्रकार मैंने पहले बताया था कि लार्जली जो है चने में हमें 5200 के करीब ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा तो यही चीज मैं अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि हमने अपसाइड में 5350 और डाउनसाइड में 5000 के करीब के जो एक रेंज देखी है वही बनी रहेगी विथ एन एवरेज प्राइस ऑफ 5200। आज के सेशन में हमें डाउन जरूर दिखा है, हो सकता है कि एक दिन और हमें 5080 से 90 के रीजन में जाता हुआ दिखे, लेकिन वहां से मैं समझता हूँ कि दोबारा 5200 के लेवल के आसपास प्राइजेस जो है वो आपके टिक सकती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी करंट लेवल से नहीं देखता। जी, ये समित जी, आप बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि एक रेंज देखने को मिल रही है, लास्ट नीचे में 2400 का लेवल देखने को मिला, हालांकि 2300 भी गया था लेकिन वहां से 2400 पे आ गया है, अब देख रहे हैं कि 2400 पर एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे 2400 के लेवल पर बिनौला खल सस्टेन हो पाएगा या फिर यहाँ से अभी और गिरावट देखने को मिलेगी? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और गिरावट है क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2250 का है तो वहां तक दाम आ सकते हैं और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2700 के ऊपर जाने में स्ट्रगल हो रही है जब से वो लेवल टूटा है तो ये जो डाउनवर्ड बायस है या सेवन वैलीज का रुझान है ये जारी रहेगा और हम 2250 तक के स्तर भी देख पाएंगे ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल मैं सेवन वैलीज की सलाह देना चाहूंगा बिनौला खल में। जी, तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में अभी नीचे में और गिरावट देखने को मिल सकती है, अमित जी के अनुसार बिनौला खल की कीमतें नीचे में 2250 तक भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। ये समित जी, नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तरफ
तो देख रहे हैं कि मसालों में आपने जो लेवल्स दिए थे वो अचीव तो होते हुए नजर आ गए हैं पहले ही, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आ रही है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे आज बाजार उनसे भी नीचे टूटता हुआ नजर आया है, तो अब आपको क्या लगता है ये पूरा कारोबारी सप्ताह मसालों के लिए कैसा साबित हो सकता है जिस हिसाब से अब त्योहार भी आने वाले हैं? जी देखिए, हाल ही में हमने देखा है कि 7800 का जो एक इम्पोर्टेंट स्तर था वो टूट चुका है। अक्टूबर फ्यूचर्स अगर हम देखें तो 7290 के आसपास फिलहाल चल रहा है या 7300 के नीचे है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि ये गिरावट और गहराएगी, क्योंकि 7800 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट था और उसके पहले जो तेजी आई थी वो फिलहाल पॉज होते हुए दिखती है। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा पॉसिबल है कि ये जो करेक्शन है ये 7050 तक गहरा सकती है, यानी आने वाले दो या तीन सत्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में ही जाएंगे। लेकिन हाँ, 7000 के करीब के स्तर से मुझे लगता है कि हल्दी में दोबारा एक बार तेजी का रुख आ सकता है और जहाँ पर दाम 7800 जा सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस करेक्शन जारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल 7000 से 7800 के बीच का एक दायरा बना रहेगा। वहीं धनिया की मैं अगर बात करूं तो सितंबर वायदा तो आज एक्सपायरी की तरफ है। अक्टूबर फ्यूचर्स भी हम देख रहे हैं कि 7650 के करीब चल रहा है और 7600 का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो मेरे हिसाब से बाजार जिसके ऊपर संभल सकता है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेगा 7950 तक का। तो मैं बनियन में करंट लेवल से फिलहाल ऑलमोस्ट 300 से डाउन है, लेकिन यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउन साइड ज्यादा नहीं दिखता तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी आ सकती है और अपसाइड में दोबारा 7950 से 8000 तक के दाम दिखेंगे। तो फिलहाल हल्दी में मुझे लगता है कि जो गिरावट है और गहराएगी, लेकिन धनिया में यहाँ से ज्यादा गिरावट आना थोड़ा मुश्किल लगता है। जी, ये सब में जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी देख रहे हैं कि 3-3% के लोअर सर्किट आज लगते हुए नजर आ गए हैं। कमी जी आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम अभी भी 12000 का लेवल दिखला पाएगा? देखिए, अक्टूबर फ्यूचर्स हमने देखा है 9400 के करीब है और 10700 के ऊपर भी हमने जाते हुए देखी थी प्राइसेस, वहां से दोबारा प्राइस नीचे आई है। लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ दिन बाद 9000 के जो सपोर्ट थे वो बाजार ने ले लिए थे और दोबारा वहां से तेजी पकड़ ली थी, मुझे भी लगता है कि इस बार भी 9000 से 9100 के बीच प्राइसेस जो है वो संभलेंगी और दोबारा तेजी पकड़ सकती हैं। इमीडिएट बैरियर 10200 का होगा जो एक टारगेट की तरह लिया जा सकता है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो दोबारा हम 11500 से 11700 तक के दाम भी देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो गिरावट होगी वो हमें लिमिटेड होगी, 9000 के करीब आके दोबारा पैसे संभालने की उम्मीद लग रही है। अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो आज देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर आज लाल निशान पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, 5% का लोअर सर्किट आज सोयाबीन के अंदर देखने को मिल चुका है। तो अमित जी, अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोयाबीन में एकदम से गिरावट और गहराती हुई नजर आई है, तो आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में यहाँ से खरीदारी निकलेगी और लेवल्स ऊपर की ओर जाएंगे, या फिर अराइवल्स के वजह से सोयाबीन की कीमतों में और गिरावट देखने को मिलती रहेगी? जी देखिए, जहां तक अक्टूबर फ्यूचर्स का सवाल है, जनरली हमने पूरे महीने कहीं ना कहीं एक दबाव का ही माहौल देखा है और मुझे लगता है वही बना रहेगा फिलहाल राइजिंग प्रेशर की वजह से। और वही चीज डिस्काउंट हो रही है, जब एक बार वो फुल एक्सटेंड का डिस्काउंट हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा जो है प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन फिलहाल 6300 के नीचे जब तक दाम है तब तक फिल्म रिलीज का रुझान रहेगा और डाउनसाइड में मेरे हिसाब से 5700 तक हम ये अक्टूबर फीचर जो है वो उसको जो है गिरता हुआ देख सकते हैं। जी, ये सब में जी नजर डालें अगर मस्टर्ड सीड की ओर, तो मस्टर्ड सीड में भी देख रहे हैं कि जो 8600-8700 के जो लेवल्स देखने को मिले थे, अब वहां से सीधा मस्टर्ड सीड का अक्टूबर वायदा 8400 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन की तरह सरसों में भी यहाँ पे अभी एक गिरावट देखने को मिल पाएगी या फिर यहाँ से सरसों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है 8250 से 8300 के बीच, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहां से दोबारा एक बार मस्टर्ड सीड जो है वो तेजी पकड़ेगी प्राइसेस एंड जो निचले स्तर से दोबारा उभर सकती है। लेकिन डेफिनेटली एक या दो दिन के लिए दबाव का रूप बना रहेगा और हम 8300 के करीब के स्तर देख पाएंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 2% की और
गिरावट पॉसिबल है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि बाजार जो है संभल जाएगा और दोबारा ऊपर की तरफ खुद करेगा। इमीडिएट बेसिस पे 8,700 का एक रेजिस्टेंस है जो आने वाले एक हफ्ते में दोबारा टेस्ट हो सकता है। जी अमित जी, जानना चाहेंगे वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो इस पूरे कारोबारी सप्ताह में अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं? जी देखिए, मेरे हिसाब से कॉर्पोरेशन डॉल के एक में बनावटल में बिटकॉइन करके चला जा सकता है 2300 से 2250 के लक्ष्य के लिए, और वहीं एक बार मेरे हिसाब से कैस्टर सीड में अक्टूबर फ्यूचर्स में 6,000 के करीब मिले या 6,050 के करीब मिले तो एक बार खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड लिमिटेड है और वहां से जब रिकवरी आएगी तो 6,400 का एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करने। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ आगे कारोबार देखने को मिल सकता है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार के चाल में बस इतना ही, नमस्कार।